मरला कॉलोनी के ऑफिस में छापा मारा और 14 बदमाशों को यहां से गिरफ्तार किया। दरअसल बदमाश एक वारदात को अंजाम देने के लिए यहां पर योजना बना रहे थे और वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 अवैध पिस्तौल और 44 जिंदा कारतूस के साथ साथ 2,80,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल सभी बदमाशों के खिलाफ धारा 310 गैंगवार एक्ट और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जब वहां रेड की तो उस रूम के अंदर करीब 14 लड़के मौजूद थे। उन सभी से पूछताछ की गई, उनकी तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान वहां उनसे 3 नजायज वेपन जो है वो बरामद हुए। एक 30 बोर का है, एक 32 बोर और एक 12 बोर गन और 44 राउंड बरामद हुए हैं। का जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो यही थी भी कोई भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इतने 14 तब एक टाइप के हैं बदमाश किस्म के लड़के इकट्ठे हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो किसी वारदात को